हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी का नीलम भारती किचन में स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर हम कुछ मसाला ले लिए हैं, तो मसाला में ले लिए हैं 4 से 5 सूखा लाल मिर्ची, 2 चम्मच जीरा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 चम्मच धनिया, 5 से 6 काली मिर्च के दाने। अब इन सभी को एक मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाला को हम पीस लिए हैं, अब हम प्याज और टमाटर को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से दोबारा मिक्सर जार ले लिए हैं, अब इस मिक्सर जार में फिर से डाल देंगे 2 कटा हुआ टमाटर, 1 प्याज। तो यहाँ पर टमाटर प्याज भी पीस लिए हैं, इसको अब छोटा सा बॉल में निकाल करके रख लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप उबले हुए सोयाबीन ले लिए हैं, इसको हम अच्छी तरह से उबाल लिए हैं और 2 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो भी लिए हैं। सोयाबीन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर 1 बॉल ले लिए हैं, इस बॉल में डालेंगे 1 कप बेसन। अब इसमें डाल देंगे मसाला जो पीस के तैयार किए थे, उसी में से 1 से 1.5 चम्मच मसाला डाल देंगे। फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो हमें सब्जी बनाने के लिए इस तरह का बैटर चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से सोयाबीन को कोट कर सके। तब तक हम गैस पे पैन में तेल डाल के इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। अब इस बैटर में सोयाबीन को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहे तो सभी सोयाबीन को एक बार डाल करके इसे कोट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे कोट करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद 1 सोयाबीन इस तरह उठाएंगे और तेल में डाल देंगे। इसी तरह सभी सोयाबीन को बेसन से कोट करके तेल में डालते जाएंगे। तो बेसन से कोट किया हुआ सोयाबीन हम इतना तेल में डाल दिए। अब इसे स्लो फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। तो अब स्लो फ्राई हो गया है, तो सभी को हम 1 बॉल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह करके सभी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी को फ्राई कर लिए, तो अब हम गैस पे 1 कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। तब ये गर्म हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर गरम हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज़पात और इसे हम चटकने देंगे। तो देखिए, अब अच्छी तरह से चटक गया है। तो अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को हल्का भून लेंगे। तो देखिए, प्याज यहाँ पर हल्का सा भून गया है। तो अब इसमें डाल देंगे मसाला, मसाला जो हम पीस कर तैयार किए थे वो मसाला डाल देंगे। बॉल में मसाला लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिला करके इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। मसाला को यहाँ भूनते हुए आधा पका लिए हैं, तो अब यहाँ पर डाल देंगे टमाटर प्याज का पेस्ट और इसे फिर हम मिलाते हुए भूनेंगे। तो अब यहाँ पर मसाला भूनते हुए अच्छी तरह से पक गया है, तो अब डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। कलर के लिए हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, हाथ से क्रश करते हुए इसमें डाल देंगे। फिर इसे एक से दो बार चला देंगे ताकि मसाला में अच्छी तरह से मिल जाए। लास्ट में डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला, फिर इसे मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे पानी, तो पानी आप अपने हिसाब से डालें। तो हम यहाँ पर 3 कप पानी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम उबाल आने देंगे। अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए सोयाबीन। और सोयाबीन डालने के बाद इसमें हल्का उबाल आ जाएगा, हम इसे बंद कर देंगे। ज़्यादा उबालने पर बेसन से सोयाबीन अलग होने लगेगा और टूटने लगेगा, तो हम यहाँ पर गैस को बंद कर दिए हैं। अब इसके ऊपर धनिया पत्ता कटा हुआ छिड़क देंगे। तो अब ये सोयाबीन की सब्जी बनके रेडी है। आप इस सब्जी को चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।